इस स्पेस को क्लिक करे रहेंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी आ जाएगा, उर्दू आ जाएगा, जो भी लैंग्वेज को आप रखना चाहते हैं यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हिंदी पर क्लिक करेंगे देखिए आपका कीबोर्ड हिंदी हो चुका है। तो इस सभी को कैसे लाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर कैसे लाएंगे देखिए, उर्दू पर क्लिक करेंगे देखिए आपका कीबोर्ड उर्दू हो गया, आप उर्दू में लिख सकते हैं। हिंदी पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये सबको कैसे लाएंगे इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले अपने मोबाइल का कीबोर्ड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल के कीबोर्ड को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे सेटिंग का आइकन जो कि आपके कीबोर्ड में कहीं ना कहीं शो करता होगा। देखिए यहाँ मेरा ऊपर में सेटिंग का आइकन शो कर रहा है, शायद आपका यहाँ हो। इस पर ही क्लिक करे रहेंगे तो देखिए सेटिंग का आइकन आ जाएगा। तो सेटिंग के आइकन आ जाएगा तो सेटिंग के आइकन पर इस पर क्लिक कर देंगे। बस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लैंग्वेज आ जाएगा। ये लैंग्वेज आपका कहीं भी हो तो इसको ढूंढ लेना है। मेरा यहाँ देखिए ऊपर में लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ इंग्लिश है इसलिए आपके कीबोर्ड का लैंग्वेज इंग्लिश ही है, अदर लैंग्वेज नहीं दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर अदर लैंग्वेज को ऐड करके दिखाएंगे कि कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐड कीबोर्ड नीचे लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए हर तरह का लैंग्वेज आ जाएगा। जो भी लैंग्वेज में आप अपना कीबोर्ड को रखना चाहते हैं यहाँ पर से सेलेक्ट करके ऑन कर देंगे तो आपका कीबोर्ड का लैंग्वेज वहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदी इंडिया है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हिंदी शो करने लगेगा। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में हिंदी ऐसा ही आपका दिखेगा। इस पर टिक लगा देंगे, इस पर टिक लगा देंगे, इसको सिर्फ डन कर देंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी ऐड हो चुका है। देखिए आप इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी लिखाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपका कीबोर्ड हिंदी पूरा हो जाएगा तो सिर्फ आप हिंदी भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही करके फिर और दूसरा लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं इसमें तो इस ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद जो लैंग्वेज आपके में नहीं रहेगा तो उसको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर उर्दू करेंगे अरबिक, तो यहाँ पर सर्च बार भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर लेंगे। यहाँ देखिए उर्दू आ चुका है, उर्दू आ गया है। तो उर्दू यहाँ पे देखिए इंडिया है तो इसको पाकिस्तान भी है यहाँ पे, तो इंडिया का यूज़ कर लेंगे, इंडिया कंट्री का। तो यहाँ पे देखिए उर्दू कीबोर्ड यहाँ पे ऐसा दिखेगा, इसको टिक कर देंगे, इसको यहाँ पर डन कर देंगे। अब बस इतना ही आपको करना है, फिर बैक जाएंगे अपने कीबोर्ड को ओपन करके देखेंगे कि आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए नहीं आया, वैसा ही था, वैसा ही है, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। इस स्पेस वाला जो यहाँ पे है बटन, उस पर सिर्फ क्लिक करे रहेंगे तो यहाँ पर देखिए सब लैंग्वेज यहाँ पर दिखने लगेगा। आप जो भी लैंग्वेज को वहाँ से ओपन की ऑन किए हैं वो यहाँ देखिए शो करने लगेगा। तो आप हिंदी कीबोर्ड लाना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक कर देंगे, बस यहाँ पर देखिए आपका हिंदी कीबोर्ड हो चुका है। तो आप यहाँ से आप हिंदी को टाइप कर सकते हैं, जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं। फिर इसी पर क्लिक करने, फिर दूसरे भाषा में इसको चेंज करना है तो उसी स्पेस पर क्लिक करे रहना है। फिर यहाँ पर देखिए उर्दू है तो उर्दू आप कर सकते हैं, यहाँ पर उर्दू पर क्लिक करेंगे देखिए आपका कीबोर्ड उर्दू हो चुका है। तो आप यहाँ पर उर्दू में ऐसे टाइप कर सकते हैं, जो कुछ लिखना है आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। इसी पर फिर क्लिक करे रहना है, आपका जो इंग्लिश था तो इंग्लिश वाले पर क्लिक कर देना है US पे, तो आपका इंग्लिश टाइपिंग हो गया। यहाँ पर इंग्लिश आप टाइप कर सकते हैं, जो लिखना है आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही करके आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश टू हिंदी, तो यहाँ पर आप ABCD में इंग्लिश जो लिखेंगे वो हिंदी में लिखाएगा। यहाँ पर लिखेंगे देखिए क्या, तो देखिए यहाँ हिंदी में लिखाया। फिर है लिखेंगे, यहाँ देखिए हिंदी में लिखा गया। आप इंग्लिश में यहाँ टाइप करेंगे तो हिंदी में लिखाएगा। तो ऐसे ही करके यहाँ पर कीबोर्ड लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप फिर हटा भी सकते हैं। तो हटाने के लिए यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेटिंग नीचे लिखा हुआ है इसी में, तो इस पर क्लिक करेंगे फिर वही खुल जाएगा। फिर यहाँ पर इसको
फिर यहाँ पर देखिए पेंसिल का आइकन जो शो कर रहा है यहाँ ऊपर में, उस पर क्लिक करेंगे और जिसको डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उसको यहाँ पर से फिर यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए इस पर सेलेक्ट कर देंगे, जिस जिसको हटाना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट वाला जो डब्बा दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब हट गया होगा, तो चलिए दिखा दे रहे हैं यहाँ पर बैक करके। फिर स्पेस वाले पर क्लिक करे रहेंगे, देखिए उर्दू हट चुका है, यहाँ पर देखिए हिंदी शो कर रहा है। आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखाएगा। तो ऐसे ही करके आप कीबोर्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस सेटिंग से जाकर यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, सेटिंग आएगा, यहाँ पर लैंग्वेज आ जाएगा, यहाँ पर से ऐड कीबोर्ड पर आएंगे, यहाँ पर जो लैंग्वेज आपने कीबोर्ड में रखना चाहते हैं यहाँ से आप रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आप न्यू हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।